दिन की रोशनी गुजर गई। सुने सुने सब बैठिए, क्या जरूरी। दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्तर प्रदेश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया, मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, आदरणीय डिंपल भाभी का, जिनकी प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर हम रेशियो निकाल लें तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका रेशियो पक्ष के समान है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी समाजवादी पार्टी की सोच को, जो सोच कहती है कि नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता, नेतृत्व का होता है एक विचार, एक सोच, एक विचारधारा जिससे आप लोगों को खुद से जोड़ते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा, जब नारी विकास करेगी तभी देश का विकास होगा। आज से कई सालों पहले जब अध्यक्ष जी आप, मेरे पिता, उनके सहपाठी जब स्कूल में जाया करते थे तो वहां पे पढ़ाया जाता था कि तीन प्रकार के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। और तब वो अपने अभिभावकों से पूछते थे कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी में आता है, ये कब तक विकसित हो जाएगा? तो उन्हें कहा जाता था कुछ नहीं, आज से 8-10 सालों में हमारा देश विकसित हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपके बाद हमने भी स्कूल की पढ़ाई की, हमने भी स्कूल जाना शुरू किया और हमें भी वही पढ़ाया गया, और हमने भी जब ये पूछा सवाल तो हमें भी वही उत्तर मिला। आज एक नई जनरेशन स्कूल जाने को तैयार है, लेकिन आज ये देश अपना जवाब नहीं बदल पाया है। क्या हमने कभी इस बात पे मंथन किया है? आज ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, ये सत्र ही उसका जवाब है कि आज जो हम 403 विधायकों में सिर्फ और सिर्फ 47 महिला विधायक हैं, वो उसका जवाब है कि जिसकी वजह से आज हमारा देश विकासशील से विकसित देश नहीं हो पाया है। मैं आज बताना चाहती हूँ कि अगर हम देश में देखें कि महिलाओं का राजनीति में नेतृत्व के परसेंटेज को निकालें तो सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं हैं जो पूरे देश में जनप्रतिनिधि के रूप में अपना नेतृत्व कर रही हैं। और इस आंकड़े को अगर हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो वहां पे जो देश विकसित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वहां पे अगर राजनीति में महिलाओं का अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन है तो वो 30% तक पहुंच चुका है। और हमें भी अब इस पे विचार करना जरूरी है। और इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए, इस प्रदेश को उठानी चाहिए और इस देश को उठानी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की जो प्रगति है उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। और आज मैं ग्रामीण अंचल से आती हूं और जब वहां पे हम अपनी दलित समाज की बहनों को देखते हैं तब हमें ये महसूस होता है और साथ में बहुत ग्लानी भी होती है कि आज हमारा देश कहाँ पे है, आज क्या कारण है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे माँ हो या बहन हो या पत्नी हो या बेटी हो। अधिकांश जगह में भारत देश में हमें निर्णय लेने की आजादी नहीं। आज जब महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उस पर एक छोटा सा शेर है जो मैं बोलना चाहूंगी।
कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इसी नगरी में। आज भी अगर औरत कुछ अच्छा नहीं कर पाती है तो आज हमें सुनने को मिलता है, ये तो औरत है, इतना बड़ा दायित्व इसे दे दिया कहां से कर पाती। और अगर किसी तरीके से वो औरत अच्छा कर जाती है तो उसे कहते हैं अच्छा, ऐसे कैसे अच्छा कर दिया, ऐसा क्या किया होगा उसने। इस सोच को बदलने की जरूरत है। मैं इस सोच के लिए ये बोलना चाहूंगी कि आज इस प्रदेश को, इस देश को एक मकसद के साथ हमारे प्रदेश की और देश की महिलाओं को बढ़ाने के लिए सोचना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक वृक्ष की तरह खड़े और गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा से उग करके उसी मकसद के लिए दोबारा से जंग लड़ सको। मैं अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहती हूं, हमें स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, स्पेशल सेशंस नहीं चाहिए। आज 5 दिन के सत्र में एक दिन सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को मिला है। कई सारे लोग होंगे जिन्हें दुख हो रहा होगा, कई सारे लोग हो रहे होंगे जिनको आपत्ति हो रही होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज 5 दिन के सदन में हमें एक दिन का मौका मिला है। आप सोचिए, आपको इससे दुख हो रहा है, और 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि हमें ये मौका मिले। 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सदन में जहां जहां ये आवाज जाएगी, मुझे लगता है अध्यक्ष जी वहां पर भी इसको शुरू किया जाएगा, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूं, जब सदन में महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा, तभी जाकर के जनपद में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी हमें सीरियसली लेंगे। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ। मछली शहर विधानसभा, जौनपुर जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, उसमें से मैं मछली शहर से विधायक चुन करके आई हूँ, इकलौती महिला विधायक, और मेरे यहाँ की जो रोडों की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। मैंने पिछले सदन में भी उन बातों को उठाया था, और बड़ी मुश्किल से एक रोड है जो स्वीकृत होकर बननी शुरू हुई। जब वो रोड बनी तो उस पर जब शीलपट लगा तो उस पर हमारे जो नेबर के, हमारे पड़ोसी विधायक है, उनका नाम लिख करके आ गया। तो आज अधिकारियों की भी ये सोच है कि अरे ये तो महिला है, ये क्या कर लेगी, और ऊपर से ये विपक्ष की महिला है तो ये क्या कर लेगी। हमें इसको बदलना होगा, हमें इसे बदलना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस तरीके की सोच पे अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ मैं अपनी महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि ये वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमें देश का प्रतिनिधि बनना होगा, हमें आगे बढ़ करके देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना होगा। अब हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। मैं एक ग्रामीण अंचल से आती हूँ, मैं आज जो मुझे मौका मिला है उसके माध्यम से अपने विधानसभा की सारी मेरी माताओं और बहनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा जताया और मुझे जिता करके यहाँ पे भेजा। मैं साथ ही साथ ये भी बोलना चाहती हूँ कि आज हम भारतीय बड़े आधुनिक बनते हैं, हर बात पे बड़ी बेबाकी से चर्चा करते हैं, लेकिन जब बात आती है महिला के सशक्तिकरण की तो ना जाने हम क्यों चुप्पी साध लेते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि भारत की आजादी में महिलाओं का बलिदान कहीं से कम नहीं था, चाहे वो रानी लक्ष्मी बाई रही हो, चाहे वो झलकारी देवी रही हो, चाहे महारानी अहिल्याबाई होलकर रही हो, चाहे ज्योतिबा फूले जी रही हो, और साथ ही साथ चाहे वो मातंगी देवी रही हो, जिन्होंने
वंदे मातरम कहते कहते अपने प्राणों की आहुति दे दी, चाहे वो कनक लता रही हो जिन्होंने 17 साल की उम्र में हाथ में राष्ट्रीय ध्वज को लिए वीर गति को प्राप्त हो गई हो, हमें उन बातों को नहीं भूलना चाहिए। और शायद इन्हीं बातों को भूलने की वजह से आज महिलाएं पीछे छूटती चली जा रही हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहती हूं, मैं ग्रामीण अंचल से आती हूं और वहां पे मैंने कई बार सुना है, तो मैंने कहा कि यहां से एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम महिला के प्रतिनिधित्व में पीछे उसके चल रहे हैं, हम कैसे महिला के पीछे चल सकते हैं। तो मैं उन सबको बोलना चाहती हूं कि हम आपको पीछे नहीं चला रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमारे बगल में हमारे साथ साथ चलें। अल्बर्ट कामू ने कहा था, आई डोंट वॉन्ट यू टू लीड मी, आई डोंट वॉन्ट यू टू वॉक बिहाइंड मी, आई वॉन्ट यू टू वॉक बाई माई साइड। और यही हमारी सोच है और मैं मानती हूं कि इस सदन में बैठी सारी जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी यही सोच है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस दिन मानसून का पहला सत्र था उस दिन हमें अंदर नहीं आने दिया। मैं पूछना चाहूंगी हमारी पक्ष के विधायक गण से, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपको अच्छा लग रहा था यहाँ की सारी सीटें खाली थी? नहीं। इस सदन की शोभा तभी तक है जब तक पक्ष और विपक्ष साथ में यहाँ पे बैठता है। जब तक पक्ष और विपक्ष साथ में बैठता है तभी तक हमारा लोकतंत्र मजबूत है, और जिस दिन यहाँ से विपक्ष हट जाएगा उस दिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी। और उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगी, अरे नहीं अरे जी, अरे आप बोलिए, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं। नहीं नहीं, मैं उनको मना कर दूं, आप अपनी बात जी। चलिए धन्यवाद, अगर हो गया हो तो। नहीं सर, नहीं हुआ अभी, तो बहुत लंबा है। आओ कागज नहीं मिले, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर रही थी कि जैसे कि हमें आने नहीं दिया तो उस दिन यहाँ पे आपके पॉलिसीज की पर्चियां बढ़ रही थी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी कि वो पॉलिसीज की पर्चियां हमें भी मिली। तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, उसमें आपने विवाह के लिए कन्या अनुदान देने का एक संकल्प लिया है। कोरोना काल में बहुत सारे गरीब परिवार अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाए, वो गरीब माता पिता उन्हें अभी कुछ महीने पहले जब शादी का सीजन था तब वो अपने बच्चों की शादी कर रहे थे। मेरे विधानसभा से ना जाने कितने परिवार हैं जिन्होंने उस अनुदान पे आस लगाए बैठे हुए थे और आज वो शादी को बीते हुए 4 से 5 से 6 महीने हो चुके हैं और आपका अनुदान नहीं आया है। और जब आपके अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मैडम हमारे पास कोई बजट ही नहीं है इसके लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी पॉलिसी सिर्फ कागजी है, उन पॉलिसीज का जमीन पे कोई भी कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आज कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हम अपने जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बता सकते हैं और एक सकारात्मक तरीके से इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आप सच्चाई से अपरिचित हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अवगत कराना चाहती हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, इसके लिए एक डेलीगेशन की टीम बनाई जाए। अगर वो महिलाओं के लिए पॉलिसीज है तो उसमें महिला विधायक गण, और आपको जो लगता है कि जो सही रिपोर्ट दे उनको चूज करके आप अपने लोगों की टीम बनाएं, लेकिन कम से कम ये छलावा तो ना दिखाएं कि आपकी इतनी सारी पॉलिसीज है जो इतने लोगों को मदद कर रही है, क्योंकि अगर हम आज जमीन पे उतर के देखते हैं तो कहीं किसी को मदद नहीं मिलती। मैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूं और मैं आज जो प्रदेश में मेडिकल की स्थिति है उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगी। जौनपुर जनपद का जो मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में तो कई बार सदन में चर्चाएं हो चुकी हैं कि वहां पे सिर्फ उद्घाटन हुआ है और आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है।
लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी एक दूसरी पॉलिसी है जिसमें गंभीर बीमारियों में लोग मदद की आस लगा करके रखते हैं। आज मैं इस सदन के माध्यम से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या उसका कोई समय निर्धारित किया जाएगा? एक गंभीर बीमारी का व्यक्ति कितने टाइम तक उस अनुदान का वेट करता रहे, कितने दिनों तक उसका वेट करता रहे? आज हम अपने कितने लोगों को इस कारण से खो दे रहे हैं, क्या सरकार उसका जवाब देगी? साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गंभीर बीमारियों में कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है, और कैंसर की ट्रीटमेंट को मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि उसमें सबसे पहले हम एक न्यू एडजुवेंट थेरेपी देते हैं, या तो वो कीमोथेरेपी होती है या वो रेडियोथेरेपी होती है। उससे हम कोशिश करते हैं कि वो जो कैंसर का एलिमेंट है वो छोटा हो जाए, वो कंसाइज हो जाए, ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि वो उससे ठीक भी हो जाता है पेशेंट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उससे हम उसको डिजीज को छोटा करके बाद में उसका सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। आपकी जो अनुदान की नीतियां हैं उसमें 6 महीने का समय लिया जा रहा है। क्या एक कैंसर का पेशेंट 6 महीने तक वेट कर पाएगा कि उसका अनुदान आए तब वो अपनी सर्जरी कराए? मैं आज इस सदन के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस पे संशोधन किया जाए। इस पॉलिसी से जनता की मदद नहीं हो पा रही है, लोगों के पास तक वो मदद नहीं पहुंच पा रही है। थैंक यू डॉक्टर रागिनी, हो गया। गंभीर बीमारियों पर उनके लिए बोलना चाहती हूँ। मेरी जो आशाएं बहने हैं जिन्होंने कोरोना काल में हमारे ग्रास रूट लेवल पे जाकर के हमारे लोगों की मदद की, जहाँ ग्रामीण धन्यवाद डॉक्टर रागिनी नहीं अवेलेबल थे वहाँ उन्होंने उनकी मदद की, आज वो रोड पे हैं, आज वो अपने हक की दुहाई मांग रही हैं। क्या सरकार उनकी मदद करेगी? आज हमारी आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि आपकी महंगाई के कारण उनकी कमर थी, आप आखिरी तक बैठेंगे। आज जब मार्केट में तेल 200 रुपए किलो है रिफाइंड ऑयल, तो उन्हें सिर्फ 120 रुपए मानक मिलता है। आज जब मूंग की दाल मार्केट में 100 रुपए की है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 59 रुपए मिलता है। आज जब मार्केट में आलू 20 रुपए किलो है तो उन्हें सिर्फ 7 रुपए मिलता है। आज उनकी मांगों को कौन सुनेगा, कौन उनकी दुहाई को सुनेगा? मैं साथ ही साथ बात करना चाहूंगी NRLM की जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने आपके चुनाव के दौरान आपकी रैलियों में ढेर सारी भीड़ जुटाने का काम किया, आज वो अपनी मांग कर रही है, आज वो अपनी दुहाई बोल रही है, कौन सुनेगा उनकी बातों को? मैं बहुत गर्वित महसूस करती हूँ कि जिस समय भाजपा की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती करने में व्यस्त थी, उस दौरान मेरे क्षेत्र से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड में 95% अबव मार्क्स स्कोर किए, और साथ ही साथ आपका जो नेशनल एग्जामिनेशन होता है मेडिकल का, उसमें 7 से 10 बच्चों ने उसमें रैंक निकाला है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ, जबकि मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि ग्रामीण इलाके के बच्चे कहीं से भी मानसिक रूप से शहरी बच्चों से कम नहीं है, लेकिन आज उनके पास वो व्यवस्था नहीं है। आज स्कूल माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उनके रास्तों को मेन रास्तों से नहीं जोड़ा गया है। आज जब उनके परिवार वाले, उनके घर वाले उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, वहां रोड पे उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इस पे सरकार कब मंथन करेगी? कब इसका असली आईना आप लोग देखेंगे? ये खत्म हो गया तो पेपर खत्म हो गया तो आ गया। मैं साथ ही साथ बोलना चाहूंगी, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और आदरणीय हमारे मंत्री जी, सांसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन ये नहीं है कि कोई अपराध नहीं होगी। जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन ये है कि सरकार अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो उस पे तुरंत और सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन आज जो मैंने 56 में मांग उठाई उसमें FIR नहीं हुआ, और इस तरीके की बहुत सारी केसेस हैं जिसमें महिलाओं को रात रात भर खाने पे बिठा के रखते हैं और उनकी कोई FIR नहीं लिखी जाती है, कोई मांग को नहीं सुना जाता है। उस पे सरकार कब मंथन करेगी और कब ऐसे लोगों के अगेंस्ट में एक्शंस लिए जाएंगे? साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद आप लोगों को ना पता चल पा रहा हो और फिर से आप सच्चाई से अनजान हो, तो आज थानों पे सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हैं,
और रक्षक भक्षक बने हुए हैं। कृपया करके इसका भी निवारण निकाल दे तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी आपकी। थैंक यू। मैं लास्ट में अपने देश की महिलाओं के लिए कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगी। आप देंगे? वो दे रही है सुझाव या आप देंगे सुझाव? मैं अपनी देश की महिलाओं के लिए और अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। धूत बिठाए बैठे शकुनी सब मस्तक बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। होठ सीधे हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.